नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नीट 2021 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आए हैं आपके। सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है वो आ गया, जो आपका हिंदी वर्जन में B2 क्वेश्चन पेपर है उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन में एरर था उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ गया। साथ ही MCC की वेबसाइट पर एक नया नोटिस आया आपका काउंसलिंग से जुड़ा, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो यह नया नोटिस आया वो दिल्ली जो स्टेट के स्टूडेंट्स है, तो दिल्ली की 85% स्टेट कोटा सीट्स में एडमिशन है चाहते हैं MBBS BDS BMS और BHMS कोर्सेज के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सुप्रीम जो कोर्ट में आपका जो क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग जो आपकी अपील थी उस पर डिसमिस कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने कहा कि जो एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई थी उसका एक्सपर्ट कमेटी की बेसिस पे हमने ये अपील है इसे डिसमिस कर दिया। तो जो एक्सपर्ट कमेटी थी उन्होंने कहा कि जो उसका एरर है उसका कोई भी आपका फ़र्क नहीं पड़ता है आंसर पे, आंसर सेम ही रहेगा, तो इसके रिगार्डिंग फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया है। लेकिन दोस्तों जो आपका हिंदी वर्जन में जो एरर था वो एकदम सही था, जो स्टूडेंट्स ने मांग की थी वो सही मांग की थी। लेकिन जो आपका NTA है, NTA आपका जो प्रेफरेंस है लैंग्वेज की कि क्वेश्चंस के प्रेफरेंस होती है जो आपकी, वो आपकी इंग्लिश के बेसिस पे ही मानता है कि इंग्लिश में अगर कुछ एरर है तो ही वो एरर मानता है, बाकी किसी भी लैंग्वेज में एरर है तो वो एरर नहीं मानता है, क्योंकि NTA के रूल्स के अंडर आता है। तो वो स्टूडेंट एकदम सही थे, लेकिन जो NTA है वो आपका इंग्लिश वर्जन में अगर कोई एरर होता तो वो मान सकते थे, लेकिन हिंदी वर्जन में तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है उसका नुकसान ही हुआ, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आया और वो गलत आंसर उन्होंने फिल कर दिया। तो ये बात तो गलत है, लेकिन NTA के रूल्स है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। तो इसमें जो अपील थी आपकी वो कैंसिल हो गई, अब इस पर कोई भी डिसीजन नहीं आएगा। और साथ ही एक बार अगर ये अपील सही होती और इसे मान लिया जाता तो एक क्वेश्चन के बोनस मार्क्स मिलते सभी को, लेकिन 16 लाख स्टूडेंट है तो एक बार फिर से रिजल्ट को प्रिपेयर करना NTA के लिए भी बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा कदम होता ये। तो इसके रिगार्डिंग कोर्ट ने जो एक्सपर्ट कमेटी बिठाई NTA के रूल्स के अकॉर्डिंग भी उन्होंने ये कहा कि इंग्लिश को जो आपके यहाँ मानते हैं वो अगर कोई एरर होता है तो इस अपील को डिसमिस कर दिया गया। अब इस पर कोई भी आगे डिबेट नहीं, ना ही कोई इस पर बात होगी, तो इसमें डिसमिस कर दिया गया है। और अब हम बात करते हैं जो MCC का नया नोटिस आपका रिलीज़ हुआ उसके रिगार्डिंग। तो जो जो स्टूडेंट आपके 85% दिल्ली स्टेट के कोटा में एडमिशन लेना चाहते, जो जो स्टूडेंट ने आपके 10+2, 10+1 दिल्ली के स्कूल से किया है, तो उनके लिए MBBS, BDS, BMS, BUMS और BHMS कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट और कंसेशन फॉर एडमिशन अंडर CW कैटेगरी, जो CW कैटेगरी के अंडर एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 3 दिसंबर तक आप अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर। जो पोर्टल हैज़ बीन एक्टिवेटेड फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो जो जो स्टूडेंट आपका इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन साइंसेज जो आपका FMSC है, जो आपकी .ac.in जो आपकी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग लिंक मिल जाएगा। हम डिस्क्रिप्शन में भी अभी इसका डायरेक्ट लिंक है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो जो जो स्टूडेंट आपके एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली में MBBS, BDS, BMS, BUMS और BHMS के स्टेट कोटा में, तो वो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर सकते हैं। 3 दिसंबर आपकी इसके लास्ट डेट है। और जो MCC की काउंसलिंग है वो भी बहुत जल्द आपकी स्टार्ट होगी, जैसे ही उसका जो डिसीजन है AWS और OBC का आ जाता है। और उसके रिगार्डिंग भी आपका जो वेडनेसडे को इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ अपडेट आने के चांसेस है, तो देखते हैं कल इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है क्या, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ इसके रिगार्डिंग अपडेट आता है या नहीं आता, या फिर आगे जनवरी में ही इसकी जो हियरिंग है उस पर ही इसका डिसीजन आता है। तो जैसे भी जो भी डिसीजन आता है आगे भी आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आगे भी इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।